हम लोग मेरी बर्थडे पार्टी का एक सीक्वेंस है वो शूट कर रहे हैं, और दो बाकी के और सीन्स हैं, एक कॉफी शॉप का है और एक और है जो कंटिन्यूटी है। आज ये यहाँ क्या सीन चल रहा था तीनू जी के साथ में? मेरा सीन चल रहा था कि फाइनली कुछ कुछ जो मूवी का सस्पेंस है वो रिवील हो गया है, उसके बाद में हम लोग आते हैं और वो बिकॉज माय डैड ही डजंट बिलीव इन बाबा शाबा एंड ऑल, तो हम लोग साथ में आते हैं। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है, फेंग शुई मास्टर है, ये है वो है, तो वो मतलब ही डजंट बिलीव इन ऑल दिस, बट फिर मैं उनको कन्विंस कर लेती हूँ, वो आते हैं और फिर हम जो मनोज जोशी जी हैं जो कि फेंग शुई मास्टर का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, दिस इज़ द होल ड्रामा। इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल को एक्टर्स लाइक मिस्टर राजपाल यादव विद मिस्टर संजय मिश्रा एंड टीनू आनंद, एवरीबडी इज एक्सीलेंट एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। दिस इज योर डेब्यू फिल्म, यप, व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट लाइक व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम दिस मूवी? इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन है जो ये मूवी है इट्स लाइक आउट एंड आउट कॉमेडी, कॉमेडी इज एक्सीलेंट, म्यूजिक इज सुपर्ब, सो आई थिंक दिस मूवी इज गोना रॉक। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस मूवी के बारे में किस तरीके की फिल्म? इट्स अ कॉमेडी विद इमोशंस, कंप्लीट थाली है जैसे इंडियन मील, थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ी सस्पेंस भी है, थोड़ा रोमांस भी है और थोड़ी इमोशन, थोड़ा हंसी, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, यही कहानी। हमने सुना है कि आप गोपी दत्ता के साथ उनके साथ आपने काम किया है और ये आपकी डायरेक्शन डेब्यू है, तो आपके लिए कितना इजी रहा, मतलब चीज़ों को समझना कितना टफ रहा? बहुत इजी रहा है बिकॉज मैंने जो जेपी साहब के साथ जो एसोसिएट था बॉर्डर एलओसी रेफ्यूजी, तो इन फिल्मों में मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, तो मेरे लिए ये कुछ एक ऐसा नहीं था कि कुछ मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, या मुझे कैमरे की नॉलेज नहीं थी, या एडिटिंग मुझे नहीं आती, या मुझे लेंसेस नहीं पता, वो सब कुछ ईजी हो गया था मेरे लिए। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज एसोसिएट डायरेक्टर के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टर, यू हैव टू बिकम अ डायरेक्टर। अभी यहाँ पे कौन सा सीन शूट हो रहा था? हमने देखा टीनू जी और प्रीति यहाँ पे थे, तो वो कौन सा सीन था, वो ऊपर की तरफ कुछ देख रहे थे? ये सीन ऐसा है कि टीनू जी जो इस फिल्म में जो कि एक इंसान है जिसका नाम है ईश्वर, जो कि विलन है, और उसने क्या किया है वो कभी भी नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म के जो बाकी किरदार है जैसे कि हीरो है और उसके तीन दोस्त हैं जैसे कि संजय मिश्रा, राजपाल यादव, मनोज जोशी, ये इन तीनों को उसने लूटा है। अब ये लूट तो जाते हैं, हमारी फिल्म का टाइटल भी यही, हमें तो लूट लिया, लूटा किसने? तीनों आनंद ने, ईश्वर जी ने लूटा है उनको। अब वो सोचते हैं कि आखिर उनकी खुद की मजबूरी है कि जिस अगर वो उस पैसे को वापस हासिल नहीं कर पाते हैं तो संजय मिश्रा की लाइफ में एक बच्ची है जिसके हार्ट में होल है तो मर जाएगी। उधर राजपाल यादव की एक ट्रेजेडी है कि उसने अपनी वाइफ को जिंदगी भर एक प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को वर्ल्ड क्रूज पे लेके जाऊंगा, पैसे लूट गया तो वो भी नहीं कर सकता, उसका सपना पूरा नहीं होगा। राज हमारा हीरो है जो शहर में आया था एक एक्टर बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, उसके पैसे लूट गए तो वो भी एक्टर नहीं बन पाएगा, तो वो सब मिल जाते हैं। और हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है, जैसे कि राजपाल यादव जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो बाकी लोगों को बोलता है कि हम अगर अकेली उंगली है तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर हम बन जाए मिल जाएंगे तो हमारा पंजा है, हम उसको हरा डालेंगे।